अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो अप विद हया। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बहुत ज़बरदस्ती आप लोग के लिए रेमेडी लेके आई हूँ, एक ऐसी रेमेडी जो आप लोग की स्किन को वाइट करेगी, ब्राइट करेगी, आप लोग के कलर को बहुत ही ज़्यादा साफ़ कर देगी, आप लोग की स्किन को क्लीन एंड क्लियर भी कर देगी। जितनी भी डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने है, पिंपल के निशान हैं, पिगमेंटेशन है और कलर बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, फेस पे डलनेस ही आ गया है, तो उन सब के लिए बेस्ट रेमेडी जो आप लोग के लिए मैं लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी इंग्रीडियंट्स से मैंने ये रेमेडी बनाई है। चलिए जी, मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होंगे। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको इजी इजी रेमेडी शेयर करूँ ताकि आप इजीली इसको अपने घर में ही बना सकें। और आज मैं आपको बताऊँगी कि हम घर की चीज़ों से अपने कलर को कैसे साफ़ कर सकते हैं, अपनी स्किन पर से दाग धब्बों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एक स्पॉटलेस ग्लो कैसे लेके आ सकते हैं। चलिए जी, रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है एक क्लीन बोल और अपना फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, वो है मेरे पास बेसन। बेसन हमारी स्किन को वाइट और ब्राइट करता है, हमारे कलर को साफ़ करता है, स्किन पर से मैल को भी साफ़ करता है और दाग धब्बों को ख़त्म करता है। मैंने 2 टीस्पून इसमें बेसन ऐड कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ ले ली है टर्मेरिक पाउडर, यानी हल्दी। ये एंटीसेप्टिक होती है जो हमारी एंटी एजिंग की साइंस को ख़त्म करती है और हमारी एक्ने को भी ख़त्म करती है। ये हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करके और पिगमेंटेशन को ख़त्म भी करती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ ले ली है लेमन, ये मैं हाफ लेमन इसमें ऐड कर रही हूँ। लेमन जो विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को वाइट और ब्राइट करता है और मैं इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो मैं एक बात बता दूं, अगर किसी को लेमन सूट नहीं करता तो आप लोग इसकी जगह टमाटो जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप टोमेटो जूस ऐड कर लीजिएगा, उसमें भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उससे भी हमारा कलर वाइट और ब्राइट होता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ ले लिया है रॉ मिल्क, यानी कच्चा दूध। बॉयल मिल्क बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ मैं पेस्ट बनाने के लिए रॉ मिल्क ऐड कर रही हूँ। रॉ मिल्क बेस्ट क्लिंजर होता है जो कि हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है, जितनी भी मैल होती है, जितनी भी डर्ट होती है, उसको भी साफ़ करता है। अगर हम डेली रॉ मिल्क से भी क्लिंजिंग कर लें तो उससे भी हमारा कलर काफ़ी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ सब इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर ली हैं, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी होगी। जब तक पेस्ट की अच्छे से मिक्सिंग नहीं कर देंगे तब तक अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपने पेस्ट की अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब मेरे पेस्ट की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितना अच्छा सा बन के रेडी हो गया है। तो ये मैजिकल फेस पैक है जो हमारी स्किन को अच्छे से ग्लो करेगा। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ इस पैक को, आपने किस तरह से अप्लाई करना होगा, किस तरह से इसकी एप्लीकेशन करनी होगी। आप इसको फेस पे अच्छे से अप्लाई करिएगा, इसको अपनी नेक और अपने हैंड और फीट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसको यूज़ करने के बाद आपकी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारे फेस पे एक्ने और के निशान रह जाते हैं उसको भी ख़त्म करने में ये बहुत हेल्प करेगा। आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर भी हो जाएगी और एक अच्छा सा ग्लो भी आ जाएगा। तो इस फेस पैक को आप वीक में 3 टाइम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस पैक में मैंने कोई ऐसी केमिकल वाली चीज़ नहीं ऐड की जिससे आपको डर हो कि आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी ऑयली स्किन है और बहुत ज़्यादा कलर डार्क हो जाता है और स्किन बहुत ज़्यादा डल हो लगती है, तो उन सब के लिए बेस्ट रेमेडी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस रेमेडी के कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी भी एज में आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये रेमेडी आपने ज़रूर अप्लाई करनी है और फीडबैक में रेमेडी के रिजल्ट शेयर करने हैं। ये देख सकते हैं मैंने अपना हैंड वॉश कर ली है, मेरा हैंड कितना अच्छा हो गया है। मेरे हैंड में जितनी भी मैल थी, जितनी भी डर्ट थी, वो सब उतर गई और मेरा हैंड क्लीन एंड क्लियर भी हो गया है। तो आपने भी इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करना है और आपने इसके रिजल्ट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।